हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट, आपको दिख रहा होगा हेडिंग अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको एक एक टाइप इसमें कराएंगे, ठीक है? तो कौन कौन से टाइप्स आते हैं मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके देखिए जो अल्फाबेट होते हैं आपके ए बी सी डी, जो भी आपके 26 वर्ड्स होते हैं, कितने होते हैं 26, 26 अक्षर होते हैं, उनको पहले आपको याद होना चाहिए, उनके अपोजिट याद होने चाहिए, अपोजिट आते हैं, और उसके बाद आपको उनके नंबर याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ ध्यान दे रहा हूँ आप, मैंने यहां लिखा क्या लिखा, मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है? तो ये आपका हो गया। यहां से मैं जस्ट उल्टा कर देता हूं, एन O P Q R S T U V W X Y Z। देखो जी, आपका यहां से A से लेके M तक दिख रहे हैं, जी आपका होता है प्रथम अर्धांश। इसको क्या कहेंगे अपन, प्रथम अर्धांश, ठीक है? और नीचे वाला दिख रहा है वो आपको क्या कहेंगे, द्वितीय अर्धांश। पहला प्रथम अर्धांश, दूसरा द्वितीय अर्धांश। अब इसमें देखिए आप, ए का जस्ट क्या होता है उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एस का एस, टी का आर, जी का क्यू, पी का पी, एल का ओ, एम का एन। तो आप इसको याद कैसे करोगे? देखो कुछ सब तो आप याद करने पड़ेंगे, कुछ हम आपको ट्रिक के द्वारा बता देंगे आप कैसे याद कर सकते हो। देखो पहले जितने मैं बता सकता हूँ वो आप ट्रिक के हिसाब से देख लो, कौन कौन से आप देख लोगे। देखो एक तो होता है आपका उफ, माइन, लव। इससे आपको क्या पता चलता है, देखिए यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, ठीक है? एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, देखो यहां पर दिख रहा होगा, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, वी का उल्टा ई, ओफ माइन लव, आप इससे याद रख सकते हो। यू का उल्टा एफ, एम का उल्टा एन, और एल ओ वी ई, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, ठीक है? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ी आ रही है। चलिए यहां देखिए अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद और कैसे याद करोगे। देखो अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, बी निकल जाने दो। तो अब क्या देखेंगे, जस्ट इसका उल्टा बी बाई, आप जानते हो बाई का मतलब होता है, पढ़ा होगा आपने द्वारा, क्या होता है बाई का मतलब, द्वारा। आप देखो डी डब्ल्यू आप कैसे याद रख सकते हो, डी डब्ल्यू आपने यहां देखा होगा, आपने एक पेप्सी पी होगी, इसका नाम है ड्यू, क्या है ड्यू, माउंटेन ड्यू जिसे कहते हैं, वो सब प्रचार करता है इसका। देखिए डी का जस्ट उल्टा क्या है, डब्ल्यू, तो आप इससे ध्यान रख सकते हो ड्यू से। फिर आप आ जाओ ई भी मैंने बताई दिया, लव ऑफ बता दिया, जी टी, अब एक बार है आपका जी टी, तो जी टी एक एक्सप्रेस मार्ग है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है? इसके बाद है आपका एच एस, इसका मतलब होता है हायर सेकेंडरी, क्या हायर सेकेंडरी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इसको देखूं तो आपको ये आठ बनता हुआ दिख रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है, एट, ये आठ है जी, आठ है, दोनों की आकृति थोड़ी एक सी है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे, आठ का उल्टा एस, एस का उल्टा आठ, सॉरी एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। इसके बाद आ जाओ आप आई आर, इसको रख सकते हो आप इंडियन रेलवे, क्या कह सकते हो इंडियन रेलवे। जे क्यू हो गया आपका, सॉरी जे लिख लो जे क्यू,
अब हम पूछते हैं जे क्यों किया, जे क्यों किया, इससे आप ध्यान रख सकते हो जे क्यों। इसके बाद है आपका केपी, क्या बात है केपी, केपी नाम भी होता है बहुत सारों का, आपने एक मूवी देखी होगी जरूर ध्यान होगा पीके, पीके बहुत फेमस मूवी थी जिसमें भगवान शंकर पर और अच्छी तरह से किया है उसमें, है ना। तो पीके मूवी आप इससे ध्यान रख सकते हो, पीके खा पी के चलते हैं, तो पी का उल्टा के का उल्टा पी, लव मैंने बताई दिया, माइंड लैब मैंने बताई दी, तो आप इस सब याद हो गए, ए का उल्टा जेड रख सकते हैं। एक और है आपका क्या सी एक्स, सी एक्स को कैसे याद रख सकते हो आप मुझे बताओ, सी एक्स को आपने देखा है एस आई एक्स सिक्स, एस आई एक्स सिक्स, सी एक्स सिक्स, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो सी सिक्स। आपको ऐसे इनको याद करना है, जब तक आप ये याद नहीं कर पाओ तब तक आप मुश्किल से क्वेश्चन बना पाओ, तो सबसे पहले आप इनको याद करें। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यू का उल्टा बताइए, एफ होता है, एम का उल्टा एन होता है, एल का उल्टा बी होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, डी का डब्ल्यू होता है, सी का एक्स होता है, ऐसे आप बता सकते हो, आर का आई होता है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लें, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कैसे करेंगे अब यहां समझते हैं, ठीक है चलिए। इसकी पहले आप नोट कर लो, इसको कैसे करोगे, कर लो नोट, हो गया नोट, चलिए। तो अब क्या करना है, अब आपको नंबर्स याद करने होंगे, नंबर्स बहुत जरूरी हैं, तो यहां देखो नंबर्स कैसे याद करोगे, आपने उल्टे को याद कर लोगे, इनके अपोजिट वर्ड कैसे होंगे एम का एन, अब इनके नंबर देखिए आप, फर्स्ट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जस्ट उल्टा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो मैंने यहां नंबर लिख दिए, अब इनको याद कैसे करोगे, देखो ये आपको देखो एक तो ट्रिक क्या होती है जो सभी किताबों में मिलती है, मैं आपको बता देता हूं, इन जॉय सॉरी ई जॉय की कहते हैं ई जॉय टी, ई जॉय टी, ई का मतलब होता है 5 नंबर पर, जे का मतलब होता है 10 पर, ओ का मतलब होता है 15 पर, टी का मतलब होता है 20 पर, और वाई का मतलब होता है 25 पर। इससे आप पास ध्यान रख सकते हो, जैसे आपने कहा एफ तो ई के तुरंत बाद क्या था एफ, तो 5 और 1 6, मैंने कहा जी तो ई के बाद आपने देखा ई एफ जी, 2 आगे आएगा जी कितने पे आएगा 7 पे, आप इससे याद रख सकते हो, बहुत सारे वर्ड इसमें आपको मदद मिलेगी, हेल्प होगी बहुत सारे याद करने में। अब इसके बाद और आप कैसे याद रख सकते हो, देखो ए बी सी डी ई आप 5 तो वैसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एफ की बात करूं, आप एफ देखो, अगर एफ में इसको मैं ऐसा कर दूं जोड़ दूं तो इसकी आखिरी आपको 6 के जैसे, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 6 के तरह लगता है, तो एफ किसने पे आएगा 6 पर, एफ कितने पे आएगा 6 पर। इसके बाद मैंने देखा जी, आप मुझे आप बताओ मैंने जी बनाया, जी में आपको 7 दिख रहा है, 7 ध्यान से देखो 7 दिख रहा है, तो जी कितने पे आएगा 7 पे, ठीक है। अब देखो एच, एच कैसे याद रखोगे, आप यहां देख रहे होंगे ट्रेन का टाइम देखा होगा आपने, ये ऐसे ऐसे दिखती है 8 बनता को दिख रहा है, तो ये किसने आएगा 8 पर। इसके बाद मैंने देखा आई, आई तो बहुत फेमस है, देखो आई 9 दिखा रहा है, खुद वो कह रहा है कि मैं 9 हूं, आई खुद कह रहा है कि मैं 9 हूं, तो आई कितने पे आएगा 9 नंबर पे, आपने देखा होगा। अब जे 10 पे कैसे याद करोगे, देखो सचिन की जर्सी है जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 10 कहते हैं जिसको, वो सचिन की जर्सी का पीछे लिखा रहता है 10, तो सचिन के पीछे जर्सी है उसका नंबर कितना है 10, आप इससे ध्यान रख सकते हो जर्सी नंबर 10, तो जे 10 पे आएगा। इसमें भी आप ध्यान रखते हो जे एजॉरिटी में। इसके बाद के, के में आपको देखो 11 पर कैसे याद रखोगे, के में आपको 2 डंडे दिख रहे हैं, देखो के में 2 डंडे दिख रहे हैं, इससे आप 11 ध्यान रख सकते हो। L जो आप लोग याद कर लेना L12, 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 इससे M,
तो एम देखो आप यहाँ ये एम बना है, आपको इसकी आपके थोड़ी थ्री के समान लग रही है, थ्री लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसा कर दू थ्री नहीं लग रहा है, लग रहा है ना? आप जानते हो थ्री सी पे आता है, सी पे थ्री आता है या थ्री पे सी आता है। तो एम अब जे तो आ नहीं सकता, तो जे कितने पे रहेगा? थर्टीन पे। कितने पे रहेगा? थर्टीन पे, ठीक है। इसके बाद एन, एन फोर्टी पे आप याद रख सकते हो, ओ फिफ्टीन आप इस पे है ही। अब पी सिक्सटीन, अब देखो पी फिर आकृति बना रहा है कैसी, सिक्स जैसी। आपको पता है सिक्स पे एफ आता है, तो अब पी किस पे आएगा? सिक्सटीन पर। Q 70 पे आएगा, याद रखना है आपको। R 18 पे आएगा, R आप ऐसे बना सकते हो, देखो R पे G आता है तो G तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? R 18 पे। S 90, तो S 90 अगर आप S दिख रहा है ना, S अगर आप S को S से जोड़ दो तो 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है? 9, 9 पे I आता है, तो अब 90 पे क्या आएगा? S आएगा, तो S कितने पे आएगा? 90 पे। T20 आप याद रख सकते हो, T20 भी होती है, T20 है ना, T20। U21 पे है, V22 पे है, W23 पे। अब देखो थ्री जैसा फिर दिखने लगा, आप जानते हो कि थ्री पे सी रहता है और 13 पे आपका M रहता है, तो अब बचा क्या? 23 पे W, X पे 24, Y पे 25, Z पे 26। तो आपको इस उस हद तक आप याद रख सकते हो, बाकी तो आपको याद ही रखनी होगी। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक बहुत ही दिक्कत आई करने में। आप इनको याद करें फिर इनके क्वेश्चन बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। आज आप इतना करें, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करेंगे। इतना नोट कर लें, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश है ये, ठीक है। इनके आगे प्रैक्टिस हम कल करेंगे, कैसे क्वेश्चन करने हैं कैसे नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, कल नए नए क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप भी आपकी क्लास रोज चला करेगी, आपको रोज वीडियो डाला करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने जल्दी इसके सब्सक्राइब बढ़ेंगे और आपका वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, तभी मैं आपको लाइव स्ट्रीम दे सकता हूँ इसकी, तभी मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ आपके, ठीक है। अब मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू।